रीवा जिला तत्काल सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करे शिवराज सरकार। मऊगंज के पूर्व विधायक ने की मांग, रीवा में अल्प वर्षा को देखते हुए। रीवा जिला तत्काल सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करे शिवराज सरकार। मऊगंज के पूर्व विधायक ने की मांग, रीवा में अल्प वर्षा को देखते हुए। रीवा जिले में इस बार काफी कम वर्षा हुई है, जिसको देखते हुए तत्काल ही रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए कांग्रेस पार्टी के मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने रीवा के लिए यह मांग प्रदेश शासन से की। पूर्व विधायक का साफ तौर से कहना था, रीवा में अल्प वर्षा हुई है, लेकिन कलेक्टर रीवा मनोज पुष्ट नहीं चाहते रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व विधायक का साफ तौर से कहना था, मऊगंज तत्काल जिला बनाया जाए, वह अपनी इस मांग पर आज भी कायम है, जिसमें उन्होंने कहा था बगैर जिला बनाए मुख्यमंत्री को मऊगंज में घुसने नहीं दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने और क्या कुछ कहा। कि जिला ग्रस्त सूखाग्रस्त घोषित ना करना पड़े, किसानों को मुआवजा ना देना पड़े, ये षड्यंत्र होता है सदैव से किसानों के साथ। तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि सूखाग्रस्त घोषित हमें न करना पड़े, मुआवजा न देना पड़े। ये सरकार हमेशा यही काम कराती है किसानों के साथ, एक किसान विरोधी सरकार। कहना चाहता हूँ तो जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के समय मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करी थी, उस बात का वो पालन तत्काल करें, अन्यथा किसी भी समय मऊगंज की जनता जनार्दन के साथ हम लोग जिला बनाने की मुहिम पर चल तो रहे ही हैं, लेकिन कड़ा आंदोलन कड़ा रुख अपना सकते हैं। इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये सब तमाम बातें आप सबके माध्यम से कहने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए, आपको बुलाए। आप जिले के मुद्दे पर, मैं जब विधायक था, सीएम को आप ही सबके माध्यम से हमने कहा था, संकल्प लिया था कि अगर सीएम मऊगंज में तभी आएंगे जब जिले की घोषणा करेंगे। और उन्होंने 229 सीटों पर जनदर्शन यात्रा की थी, लेकिन मऊगंज में उन्होंने अपनी जनदर्शन यात्रा रोक दी थी। यही कारण था कि हम जाएंगे तो उन्हें मऊगंज को जिला की घोषणा करनी पड़ेगी। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। इसीलिए आप सबके माध्यम से मैं सरकार को, शिवराज सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि जिले की घोषणा करें। जहाँ जिला पंचायत का सवाल आपने कहा, बिल्कुल सही बात कहा, कांग्रेस ने भी 9 वोट पाए, कुछ हमारे जीते हुए कैंडिडेट दूसरे दलों में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पहले चरण का चुनाव जिला पंचायत का हुआ, सर्वप्रथम हनुना मऊगंज नई गढ़ी हुआ, वहाँ पर जिला पंचायत की काउंटिंग जो हुई अंतिम समय में हुई, आई अंतिम रात को, जो रात के समय जो काउंटिंग हुई जिला पंचायत की, उसमें धांधली के काफ़ी चांसेस थे और धांधली इन लोगों ने किया। जीतने वाले कैंडिडेटों को हराया, हारने वालों को जिताया जो उनके पक्ष में गए, इसका लाभ उनको मिला, इसलिए जिला का चुनाव वो रीवा में जीते। अन्यथा अगर हमारा वार्ड क्रमांक 31-32 कांग्रेस हमारे साथ ही अगर जीते होते, धांधली न होती, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रीवा जिले में कांग्रेस का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होता।